नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadkanawa.com। घग्गर नदी में पानी आ चुका है। जी हां, इस वक्त मैं आपको तस्वीरें हरियाणा के सिरसा की दिखा रहा हूं। सिरसा का ये ओटू हेड है जिसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि घग्गर नदी में पानी आ चुका है और करीब 10,000 से अधिक क्यूसिक पानी है वो सिरसा में पहुँचा है। चाहे हम बात करें गुलाचिका हेड की, चांदपुरा हेड और खनौरी हेड, तो करीब 10,000 से अधिक क्यूसिक पानी है वो सिरसा में छोड़ा गया है। इस वक्त मैं आपको तस्वीरें हरियाणा के सिरसा में स्थित ओटू हेड की दिखा रहा हूं। और कुछ दिन पहले मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि ओटू जो झील है वो पूरी तरह से सूखी हुई है, झील में पानी नहीं है। लेकिन आज जो है आपको दिखा रहा हूं कि झील जहां पूरी तरह से लबालब हो चुकी है, वहीं घग्गर नदी में भी पानी आ चुका है और 644 से ऊपर यानी पानी है वो चल रहा है। और मैं आपको तस्वीरें दिखाऊँगा कि ये पानी है जहाँ इस पानी से ओटू झील की स्थिति काफ़ी अच्छी हो गई है, क्योंकि ओटू झील में पानी है वो एकत्रित हो गया है। और इस ओटू झील से निकलने वाले सभी खरीफ चैनल है, चाहे मंगला डायरेक्ट खरीफ चैनल की बात करूं, चाहे घग्गर जो है लिंक चैनल की बात करूं, चाहे हम बात करें सेरा वाली पैरलर, तो सभी में पानी है वो पूरी तरह से छोड़ दिया गया है। क्योंकि ओटू हेड से करीब जो है 1500 से अधिक क्यूसिक का जो खरीफ चैनल है वहाँ पर पानी है वो निकाल दिया है और बाकी पानी है वो राजस्थान की तरफ छोड़ा जा रहा है। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, क्योंकि ये मैं कह सकता हूं कि पंजाब के रास्ते से हरियाणा में प्रवेश होती है घग्गर, चाहे सरदूलगढ़ की बात करूं, वहां से जो सैकड़ों गांव इस पे पड़ते हैं घग्गर नदी के तट के दोनों ओर, और करीवाला चाहे थेड़ शहीदा थेड़ दया सिंह, वहाँ से होते हुए ये आगे राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। बणी के साथ से होकर के राजस्थान में ये घग्गर है वो प्रवेश कर जाती है। और वहाँ का नज़ारा भी हमने करीब 2 साल पहले आपको दिखाया था, जब पूरी तरह से कैली जमा हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे एक साइफन बना हुआ है जिसमें राजस्थान कैलार के नीचे से घग्गर नदी होकर के राजस्थान में प्रवेश करती है। उसकी तस्वीरें भी हमने आपको करीब 2 साल पहले दिखाई थी। और अब आपको दिखा रहा हूं कि ओटू हेड है वो पूरी तरह से लबालब है पानी से। इससे जहां किसानों के चेहरे खिले हुए हैं, वहीं उन गांव के लोगों को बाढ़ का भी खतरा है वो मंडराने लग गया है। क्योंकि खास करके जहां पहले घग्गर नदी में जैसे ही पानी आता था, चाहे हम नेजडेला कलां की बात करें, मल्लेवाड़ा की बात करें, सहरनी और उससे पहले के गाँव हैं, चाहे बुड्ढा बाना है, किराड़कोट है, नागौकी है, फरवाई कलां, फरवाई खुर्द और इस तरह से ये जो गांव है मुसाहिब वाला, रंगा, मत्तड़, लहंगे वाला, ये जो गांव है जो जैसे ही घग्गर नदी में पानी आता है तो उस गांव के लोगों की जो सांसें हैं वो अटक जाती है। क्योंकि इन दिनों जो घग्गर नदी का जल स्तर जैसे जैसे बढ़ता है, और हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि घग्गर नदी में पानी है, कुछ दिन पहले घग्गर नदी सूखी हुई थी और अब पानी है वो आ गया है, 10,000 से अधिक क्यूसिक पानी है वो घग्गर नदी में आ गया है। किसानों के चेहरे पूरी तरह से खिले हुए हैं, क्योंकि किसानों की जो धान की फसल है या नरमा की फसल है वो पूरी तरह से प्रभावित हो रही थी। और कुछ दिन पानी अगर ना आता तो धान की फसल है पूरी तरह से चौपट हो जाती, क्योंकि सिरसा में बारिश वैसे भी कुछ कम हुई है, सामान्य से कम बरसात सिरसा में हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि मानसून है, क्योंकि यूँ तो मौसम विभाग की माने तो आज 16 जुलाई से लेकर के 20 जुलाई तक मौसम परिवर्तनशील रहने का अनुमान लगाया जा रहा है और इन 4 दिनों में बरसात का भी संकेत है वो दिया जा रहा है। लेकिन घग्गर नदी में पानी आने से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं, वहीं किसानों को पूरी तरह से राहत मिल गई है कि इस पानी से किसान है सिंचाई करेंगे। और हमने आपको पहले भी बताया था कि घग्गर नदी से जो ओटू हेड है वहाँ से निकलने वाले तमाम खरीफ चैनल्स हैं उनमें पानी है छोड़ दिया गया है। और क्योंकि राजस्थान के साथ लगते हुए इस इलाके में भी जो है जहाँ पे इस नरमा की फसल से चाहे धान की फसल में सिंचाई हो पाएगी, और पूरी तरह से हम ये कह सकते हैं कि घग्गर नदी में पानी आना अपने आप में ये किसानों के लिए बड़ी बात है। किसानों के चेहरे पूरी तरह से खिले हुए हैं, क्योंकि घग्गर नदी जीवनदायिनी कही जाती है इस इलाके की। क्योंकि घग्गर नदी में इस मौसम में जब पानी आता है तो किसान पूरी तरह से झूम उठते हैं, क्योंकि किसान मानते हैं कि घग्गर नदी के इस पानी से उनकी फसल की पैदावार है वो बढ़ती है। अगर कृषि विभाग के अधिकारियों की माने तो इस घग्गर नदी के इस बरसाती पानी में जहाँ नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है, वहीं ये पानी जो किसानों की फसल के लिए काफ़ी बेहद लाभदायक है। और इस वक्त मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ हरियाणा के सिरसा की, और क्योंकि घग्गर नदी में पूरी तरह से जो पानी है, घग्गर नदी लबालब हो चुकी है, पानी आ गया है और इस पानी से किसानों के चेहरे पूरी तरह से खिले हुए हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, ताकि किसानों की ये आवाज़ सरकार तक जरूर पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।